रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद अब बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन को जंग में हराने के लिए किस तरह से युद्ध अभ्यास कर रहा है, और इस युद्ध अभ्यास को देखकर यूक्रेन भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके रूस को जंग में हराने की कोशिश में लगा है। लेकिन इन सभी के बीच रूस ने करीब 2 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन को चौतरफा घेर लिया है, जिसके कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरी तरह से सहम गए हैं और पश्चिमी देशों से नई सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति विलोदिमिर जेलेंसिक ने कहा है कि वो चाहते हैं कि लगभग टूट चुके वैश्विक सुरक्षा ढांचे को ठीक करने के लिए नई सुरक्षा गारंटी दी जाए। राष्ट्रपति जेलेंसिक ने पश्चिमी देशों से मांग की है कि वो यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में खराब होते हालात के बीच रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाएं। इतना ही नहीं बल्कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीते शनिवार को विलोदिमिर जेलेंसिक ने कहा है कि वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बैठक बुलाई जाए, इसमें रूस, जर्मनी और तुर्की को शामिल किया जाए ताकि यूक्रेन को नई सुरक्षा गारंटी दी जा सके। उन्होंने रूस को खुश करने की नीति की कड़ी आलोचना की है, जिसमें बीते शनिवार को रूस ने मिसाइलों की बारिश का अभ्यास करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। जेलेंसिक ने कहा है, पिछले 8 साल से यूक्रेन दुनिया की सबसे खतरनाक सेना में से एक का सामना कर रहा है, और यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूस समर्थक विद्रोहियों के गोलाबारी के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति म्यूनिख पहुंचे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 सैनिकों की भी अब तक मौत हो गई है। उन्होंने मांग की है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का एक स्पष्ट और सही समय सीमा तय किया जाए। रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने का कड़ा विरोध कर रहा है और पुतिन ऐसा होने पर युद्ध की धमकी दे चुके हैं। इस बीच पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी नेताओं ने क्षेत्र में हिंसा बढ़ाने और इसकी आड़ में रूस के आक्रमण करने को लेकर पश्चिमी देशों की आशंका के बीच बीते शनिवार को पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश दिया है। दोनेस्तक क्षेत्रों में रूस समर्थक अलगाववादी सरकार के प्रमुख डेनिस पुसलिन ने बीते शनिवार को एक बयान जारी किया था, जिसमें पूर्ण सैन्य लामबंदी की घोषणा की थी और रिजर्व बल के सदस्यों से सैन्य भर्ती कार्यालय में आने का अनुरोध किया था। और अगले कुछ दिनों में युद्ध की आशंका के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।